अस्सलामुअलैकुम। फूड बुक बाय इकरा में आज मैं बनाऊंगी रमज़ान इफ्तार स्पेशल क्रिस्पी मैक्रोनी बॉल्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम समोसा या रोल पट्टी लेंगे और कैंची से हम इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेंगे। जी, तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल की है। 1 अदद मैंने चॉप्ड प्याज लिया है, वो शामिल करूँगी और हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसे। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून के बराबर मैं काली मिर्च शामिल करूँगी और साथ ही 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा है वो शामिल करूंगी और इसको 4 से 5 मिनट तक पका लूंगी। डेढ़ कप के बराबर दूध है वो मैं मसाले में शामिल करूंगी और इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप बॉयल्ड चिकन लिया है, वो शामिल करूँगी और मिक्स कर लेंगे। और 1 कप भी मैंने मैक्रोनी ली थी, उसे बॉयल्ड कर लिया है, वो शामिल करूँगी और इस मिक्सचर को इतना पका लेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी, तो हमारा टेस्टी सा मैक्रोनी मिक्सचर रेडी है। देखिए, मैंने सारी समोसा पट्टी के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 1 कप मैदा लेंगे और 1 अदद अंडा लेंगे और अब हम इस मिक्सचर से मैक्रोनी की छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह टाइट करके। सबसे पहले बॉल लेंगे, उससे हम मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे और समोसा पट्टी में रोल कर लेंगे। जी, तो देखिए इसी तरह से मैं अब सारी बॉल्स रेडी करूंगी। जी, तो मैक्रोनी बॉल्स फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल लिया था, उसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 1 by 1 मैक्रोनी बॉल्स शामिल करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी, तो देखिए मैक्रोनी बॉल्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और डिश आउट करूँगी। मैक्रोनी बॉल्स देखिए हमारी मज़ेदार सी रेडी हैं। देखिए ये कितनी क्रिस्पी और मज़े की लग रही हैं। आप भी इन्हें रमज़ान में इफ्तार टाइम ज़रूर ट्राई करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।